नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल A to Z मोबाइल रिपेयरिंग में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये आपका MI का 6A मॉडल है दोस्तों, और इसमें मैं आपको प्रॉब्लम बता दूँ डिस्प्ले की है, डिस्प्ले ग्राफिक्स की और लाइट की। जो सप्लाई आप ये देख पा रहे हैं, इसका मैंने जम्पर किया हुआ है, ये ब्रेक थी, ओपन था कंपोनेंट, यहाँ से जो कॉइल लगी होती है, और ये डिस्प्ले जैक वगैरह क्लीन है जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं। और डिस्प्ले की जो जैक है उसकी पहली पिन है ये, जिस पे लाइट की सप्लाई आती है, किसी ने रिपेयर किया हुआ है इसको, बट वो रिपेयर नहीं कर पाया, जो भी दिक्कत रही हो उसके सामने, या वो समझ नहीं पाया कुछ भी। तो चलिए मैं आपको पहले चेक कराता हूँ इस सेट को ऑन करके कि इसकी क्या कंडीशन है। सॉरी दोस्तों, ये जो है मेरी डिस्प्ले जो इसकी, सॉरी दोस्तों, बैटरी जो चार्ज नहीं थी तो मैंने अलग से बैटरी लगाई हुई है इस पर, और अब ऑन करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए सेट मेरा वाइब्रेट किया, बट डिस्प्ले पे कुछ भी नहीं आ रहा, ना लाइट आ रही ना ग्राफिक्स आ रहा। और ग्राफिक्स और लाइट के बारे में बताना चाहूँगा आपको, इन सेटों में जो है ग्राफिक्स कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि जब तक आपके ग्राफिक्स के सारे वोल्टेज डिस्प्ले पे नहीं जा रहे होते हैं, तब तक आपका CPU सेंस नहीं कर रहा होता है, यानी उस वोल्टेज को कि आपकी डिस्प्ले लगी है नहीं लगी। डिस्प्ले सेंस करने के लिए आपका जो है ग्राफिक्स आने के लिए कुछ वोल्टेज आते हैं, जिन्हें सेंस करने के बाद जब आपका डिस्प्ले ग्राफिक्स आ जाता है, उसके बाद ही आपकी लाइट के IC को सिग्नल जाता है कि आपकी लाइट IC अब काम करे, और वो वोल्टेज जनरेट करे और लाइट को जो है जलाए, प्रकाशित करे। तो कुछ इस तरह से होता है, कुछ वोल्टेज होते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा अगर इसमें पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा, वो कभी मैं बाद में आपको अच्छे से समझाऊँगा किसी और वीडियो में। अभी जो हमारा मेन टॉपिक था इसका ग्राफिक्स ना आने का, वो आपको समझाता हूँ, तो और उस टॉपिक पे बात करता हूँ। तो दोस्तों, कोई भी फॉल्ट होता है, जैसे कि हम लोगों का किसी भी सेट में, जैसे स्पीकर का हो गया, रिंगर का हो गया, माइक का हो गया, डिस्प्ले का हो गया, चार्जिंग का हो गया, तो हम लोग कहाँ से शुरुआत करते हैं? कोई भी हो तो उसमें आप हमेशा यही सोच के, या हमेशा ऐसी जगह से ही शुरुआत करते हैं जिधर से किसी न किसी एक किनारे से, जैसे चार्जिंग कनेक्टर का हो गया तो चार्जिंग कनेक्टर के पॉइंट से चेक करना शुरू करेंगे, कहाँ से पॉइंट कहाँ तक जा रहा है, कहाँ से आउटपुट कर रहा है, कहाँ निकल रहा। वैसे ही हम यहाँ भी चेक करेंगे सारी सप्लाई डिस्प्ले कनेक्टर पे, क्योंकि डिस्प्ले प्रॉब्लम है तो डिस्प्ले कनेक्टर पे सारी सप्लाई चेक करेंगे, एक तरफ से दूसरी तरफ तक, यानी कि जो भी 25-30 पिन का जो भी जैक है इधर से उधर। तो सारी सप्लाई मैंने 1 by 1 एक एक करके चेक की, और जो कि सही तरीका भी है चेक करने का, क्योंकि अगर आपको डिस्प्ले बनानी है, डिस्प्ले ग्राफिक्स बनाना है, तो आपको डिस्प्ले जैक पर आने वाली सारी सप्लाई का जो है अच्छे से चेक करना होगा, और सप्लाई चेक करने के बाद आपको फाइंड आउट करना होगा कि हाँ आपका प्रॉब्लम कहाँ से है, जो आपको लगे वहाँ से आप उसे काम करें और रिपेयर करें। तो इस तरह से मैंने इस तरफ से सारी सप्लाई जो है एक तरफ की चेक कर ली है, और मुझे 2 पिन्स में थोड़ा सा डाउट हो रहा है, तो मैं वहाँ पे समझ नहीं पा रहा हूँ। एक पिन मेरी जो है सप्लाई आके छोड़ रही है, और एक पे बिल्कुल सी नहीं आ रही, तो अभी मैं उसको लास्ट में देखता हूँ। फ़िलहाल मैं दूसरी ओर जाता हूँ, उस तरफ भी देखता हूँ कि कोई सप्लाई है या नहीं है। और दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आपकी कोई सप्लाई नहीं आ रही है किसी डिस्प्ले जैक पर, तो ज़रूरी नहीं कि वो कहीं से आ ही रही हो, NC भी हो सकती है। NC का मतलब है नॉट कनेक्टेड, अगर वो कहीं से कनेक्टेड नहीं है तो वो NC हो सकती है दोस्तों। तो आपको सारी चेक करने के बाद वहाँ पे ये भी तसल्ली कर लेना है कि जो आपकी नहीं आ रही वो आपकी NC है या फिर कोई सप्लाई है रियल में। तो वो चेक करने के लिए उस सप्लाई से आपको आसपास के कंपोनेंट पे चेक करना होगा। आसपास के कंपोनेंट पे चेक करने के बाद अगर आपको किसी कंपोनेंट पे वो सप्लाई जाते हुए दिख रही है, अगर जाते हुए दिख रही है, तो आप ये कह सकते हैं कि वो NC नहीं है आपकी, यानी कि नॉट कनेक्टेड नहीं है, वो कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है, अगर फिर भी आपकी वो सप्लाई नहीं आ रही तो उसका प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब ये सप्लाई पर हम काम करते हैं जो मेरी नहीं आ रही थी। ये यहाँ 3 कंपोनेंट होते हैं, मेरे में 2 दिख रहे हैं, क्योंकि मेरा पहले से एक रिमूव है, वो लाइट का कॉइल है, और ये भी कॉइल ही है, एक तरीके की रेजिस्टेंस आप कह सकते हैं, रेजिस्टेंस भी है, 0 ओम की है, तो रेजिस्टेंस कहें आप कॉइल कहें, 0 ओम है यहाँ पे। और इसको जो है अब हम अच्छे से एक बार चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए सारी रिवर्स आ रही, बट यहाँ पे जो 2 सप्लाई हैं हमारी, इनमें से आपको चेक कराता हूँ मैं एक बार। ये देखिए, ये मेरा कंपोनेंट जो है
एक जो कंपोनेंट लगा हुआ है इस पे रिवर्स जो है, अभी थोड़ा सा मेरा ग्राउंड कहाँ पे मैंने लगाया हुआ है आपको मीटर शायद आप दिख नहीं रहा डिस्प्ले पे, आप दिखाते हैं। ये देखिए जो मेरा कॉइल है यहाँ पे सप्लाई नहीं आ रही, एक कॉइल पे रिवर्स, और एक पे देखिए ये इधर से आ रही है, ये देखें थोड़ा सा यहाँ कुछ उल्टा सीधा था, वो मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ अभी। एक पे मेरी रिवर्स आ रही है और एक पे रिवर्स से रीडिंग नहीं आ रही। रिवर्स कैसे चेक करते हैं, पॉजिटिव को ग्राउंड करते हैं और नेगेटिव प्रॉप को मीटर की जो है कंपोनेंट पे रखते हैं। तो जो दोनों सप्लाई ये मेरी नहीं आ रही थी वो दोनों ऊपर कंपोनेंट से हैं, अटैच्ड हैं, तो मतलब कि यहीं से कुछ ना कुछ हो सकता है, वो अच्छे से समझता हूँ। हाँ, मैंने रिवर्स का आपको जैसे बताया वैसे ही यहाँ पे एक जो सप्लाई है मेरी, थोड़ा सा यहाँ टाइम मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ उल्टा मुझे नज़र आ रहा है। उल्टा ये कि एक जगह मेरी रिवर्स जो है पॉजिटिव ग्राउंड करने पर और नेगेटिव प्रॉप कंपोनेंट पे रखने पर रिवर्स आ रही, और एक कंपोनेंट पे क्या है ना कि नेगेटिव को ग्राउंड करता हूँ मैं और पॉजिटिव को कंपोनेंट पे रखता हूँ तब आती है। तो ये मैंने इस सेट से आईसी निकाली हुई है और ये सप्लाई वगैरह चेक की हुई है, कंपोनेंट वगैरह चेक किए हुए हैं। इस आईसी को भी निकाल कर चेंज कर दिया मैंने ग्राफिक्स ना आने की कंडीशन में अपने इस सेट पे, मेरे पास सेम बोर्ड था तो मुझे जो है थोड़ा सा सहूलियत रही कंपोनेंट वगैरह चेक करने में किस कंपोनेंट की क्या वैल्यू है, तो उसी के आधार पे मैंने चेक किया। तो ये मेरा एक कंपोनेंट थोड़ा सा डैमेज है, यानी कि ये शॉर्ट होना चाहिए था, हुआ नहीं है नहीं। तो अब मैं इसे जंपर करता हूँ और जो डिटेल में आपको समझा रहा था अभी कि थोड़ा सा जिसमें मुझे टाइम लगा समझने में भी उसको कि एक पे रिवर्स आ रही है एक पे नहीं आ रही है, और हालांकि सप्लाई दोनों हैं और रिवर्स नहीं आ रही फिर भी, और उस चीज़ को अभी समझते हैं। पहले मैं जंपर कर लेता हूँ इसको, और जंपर करने के बाद मैं आपको थोड़ा सा एक बार दिखाता हूँ मीटर से चेक करके कि यहाँ कैसा क्या प्रोसेस था जो मुझे नहीं समझ में आ रहा था। और थोड़ा सा अगर आप भी वीडियो को पूरा देखेंगे और लास्ट तक देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ सकेगा आपको, क्योंकि दोस्तों जब हम आधा अधूरा वीडियो देखते हैं तो हमें थोड़ी सी समस्या होती है और हम समझ नहीं पाते, फिर बोलते हैं कि वीडियो ठीक नहीं था, आपने अच्छा नहीं बनाया। यहाँ पर जो है ग्राउंड को जो हमने जंपर किया हुआ है, अगर ग्राउंड को यानी ब्लैक पिन को ग्राउंड पे रखते हैं और पॉजिटिव को जो है कंपोनेंट पे, तो रिवर्स आके जा रही, और अगर जैसे जैसे ग्राउंड चेक करते हैं उस तरह से रखते हैं तो जो हमने जंपर किया उस पर रिवर्स आ रही है, बट जो बगल में आपके कंपोनेंट लगा हुआ है उस पर जस्ट उल्टा है। वहाँ ग्राउंड को अगर हम यानी कि माइनस को ग्राउंड पे रखते हैं और प्लस को जो है कंपोनेंट पे, तो रिवर्स आती है बराबर, और जस्ट जैसे रिवर्स चेक करते वैसे आके जाती है। तो कुल मिला के ये दो सप्लाई थी, थोड़ा सा यहाँ पे उल्टा था इस वजह से थोड़ा मुझे यहाँ पे समझने में टाइम लगा, क्योंकि ज़्यादातर मैक्सिमम आपको यही दिखता है कि रिवर्स ही हर जगह आती है हर सप्लाई पे, तो यहाँ कुछ उल्टा था। उसका रीज़न मेरे ख्याल से ये रहा होगा, जो ये कंपोनेंट है वहाँ पे किसी ट्रांजिस्टर के थ्रू मेरा निगेटिव वोल्टेज आ रहा हो या निगेटिव करंट आ रहा हो, जिसकी वजह से यहाँ उल्टी सप्लाई दिखा रहा है, या कोई भी और कारण हो सकता है, या कोई फिल्टर हमारा यहाँ पे लगा हो पॉजिटिव दिशा से या निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ये जो भी हो तो कुछ रहा है जिसकी वजह से थोड़ा कुछ उल्टा है यहाँ पे। कोई बात नहीं, अब हमारा सेट सप्लाई हालांकि हम चेक कर चुके हैं, लगभग आ चुकी हैं, कनेक्टेड हैं, ऑन करके चेक करते हैं। सेट हमारा वाइब्रेट अभी नहीं हुआ, अब हो चुका है, और दोस्तों हमारी डिस्प्ले की लाइट और डिस्प्ले दोनों आ चुकी हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक और पूरा देखने के लिए आपका एक बार धन्यवाद, और आपसे यही कहना चाहेंगे दोस्तों कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ये देखिए सारे जो हमने इसमें कंपोनेंट वगैरह जंपर वगैरह लगाए हुए हैं जो है शॉर्ट किए हुए हैं वो आपको अच्छे से दिख पा रहे होंगे ये, और ये जो सप्लाई वगैरह हमने चेक की हुई है, और ये जो कंपोनेंट है जो जंपर किया था जिसकी वजह से ग्राफिक नहीं आ रहा था। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में और किसी नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।